हेलो राधे राधे भाई, सारे बहन भाइया ने बबीता ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं वीडियो में डालने वाली हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं घर का सारा काम करके आज मैंने संभाली अपनी एल्बम, शादी की भी और बच्चों की भी, सबकी मतलब एल्बम संभाली है। तो मैंने सोची चलो आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगी। पहले की थोड़ी सी एल्बम दिखा दूँ भाई मैं भी, तो सारी एल्बम फटी वटी सी हो रही है, आप देख भी सकते हो। देख ये देखो, मेरी सारी एल्बम वगैरह सारी फट रही है। तो चलो तो भाई शुरुआत करें। पहले मैं अपनी फ़ोटो से शुरुआत करूँ, आपने भी हंसी आओगी वैसे देख कर। ये देखो पहले के फ़ोटो में, ये देखो ये मेरा कवारी का फ़ोटो है जिसमें ये कटिंग हो रही है, ये मेरा बड़ा भतीजा है। और शादी के बाद की ये देखो, ये शादी के 2-3 महीने की फ़ोटो है, ये बाद की मतलब बहुत हँसी आवे है मैंने फोटो में देख कर, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। ये देखो मेरी ये पहले की है, और दिखाऊँ आपने सारी फोटो इधर उधर हो रही है सारी की सारी। आज मैं सोची मैं पहले इन फोटो नहीं संभालूंगी, आज जब सारा काम कर कुरा कर। अब देखो ये जब मेरा लड़का होया था, ये कुआ पूजन की है। ये देखो मेरी सास बहुत सुंदर थी ये, और इनका नाम है ना लीलावती है, और वैसे इनको ना धोला बोला करते क्योंकि इनका रंग के ऊपर इनका नाम भी धोला हो गया था। बहुत सुंदर है मेरी सास, ये नेचर से भी बहुत सुंदर और वैसे भी। और दिखाऊँ आपने, ये देखो मेरी सास के साथ पूरा ये कुआ पूजन की, बच्चों के फोटो देखो हूँ अपने, देखो हूँ पहले के फोटो देखो हूँ, बहुत हँसी आवा है कि पहले कैसे कैसे रहा करते, जॉइंट फैमिली में बहुत मज़ा आया करता। ये देखो ये है मेरे ससुर जी, जो कि ये बच्चों के पापा हैं, जो कि आशीर्वाद ले लग रहे हैं अपने पिताजी से। और ये मेरी सास, ये देखो कुआ पूजन की, पहला बाहर कुआ, बाद में हम पहला वैसे पूजन जाया करते लेकिन घर पे ही पूजवाया करते, पहले के हमारे घर पे ही पूजा है। और ये देखो ये मेरी सास और इनके पापा दोनों, तो माँ बेटा हैं ये। और ये देखो मेरा कुआ पूजन का, ये देखिए आप सब भी। और ये है मेरे सास ससुर, ये देखो इनकी जोड़ी भाई, एक नंबर की जोड़ी थी। एक तगड़ा तगाजगी था और एक वैसी थोड़ी शांत स्वभाव की थी, क्योंकि है ना माँ अपना अपने सास के बारे में बताऊँ ना तो आपने बहुत ज़्यादा हंसी आओगी। इनमें सिर्फ एक यही कमी थी कि ये जी मुँह पर थोड़ी सी अपनी बात ना, जो भी इनकी कोई भी बात होया करती है मुँह पर बोल दिया करती। और वैसे तो देखो जब मेरी शादी हुई थी ना, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे को नू बताया गया था कि बेबे तेरी तो सासू बहुत ते घनी तेज से और मतलब बोलना करते। लेकिन मैं सब बहन भाइया ने ये कहूँगी, देखो किसी के कहने पर, किसी के ऊपर, किसी के भी कहने उस पर आपने कभी भी अपने घर को नहीं तोड़ना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि भाई हाँ कौन कैसा है। और मेरे हिसाब से मेरी सास बहुत अच्छी थी, उसकी मेरे से कभी हमेशा ही बनी रही है। और ये लगा लो कि वो मेरे पास कम से कम 6-7 साल रही है, अब तो खैर वही दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा बनी रहा है, क्योंकि मेरी उससे कभी भी ना लड़ाई ना झगड़ाई कुछ भी नहीं हुआ था। और बहुत अच्छी थी, बस वो मुँह की बैठी थी हमारी, बस अपने थोड़ी सी वही लगा करती, कया करते लोग बाग आख वाई सी है वाई सी है, लेकिन मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरे लिए वो बहुत अच्छी थी। और मेरे ससुर जी हैं वे भी इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो भी अब जनवरी में ही मतलब 18 जनवरी में ही मतलब गुजरे हैं उनको, और ये मतलब 2006 में गुजरी थी, तो बहुत ही अच्छी थी। तो वही आज तक मैंने सारी एल्बम निकाल कर धर दी, हर सारी ये मतलब नू लगा लो कि सारी यादें ताजा करने लग रही हूँ बैठी बैठी। मैं तो सही बताऊँ तो बाल खाता भी, जब हम अपने घर मतलब बच्चे अगर बात करा करूँ ना, जब हमारी बात चला है ना, जब मैं अपनी मतलब अपनी सास की और ससुर की परिवार की बच्चों तक सारी बात शेयर करा करा, मजाक भी करा करा बहुत बताया करूँ मैं अपने सास ससुर की, और बालक इतनी हंसेंगे और नू कहेंगे मम्मी और बताओ ना माँ जी की बात है। मैं बोली भाई जब मैं नई नई आई ना, जब तेरी माँ जी की मेरी, मैं एक बात इतनी डर गई थी सब ने मतलब, मैं तेन कह दी थी सब नु कह करते अके वे तेरी सासू सा ना भाई बहुत तेज है, बहुत तेज है नु बोला करते।
फिर भाई नहीं नहीं थे जब तक हमने तो ना पता था सासू का नाम भी। आजकल आपने बेरा है लोग वागा ना के सासू का नाम सुनते सबने सोचा हाँ वे भी सासू से, तो मैं बोल रहा करती। लेकिन मैं सही बताऊँ ना, जब मैं ब्याह ले आई, जब जो भी है मतलब ना, जब अपनी सास का नेचर देखा ना, लेकिन जैसी मेरी सास मेरी बनी ना, और भी नो तो मेरी दो दुरानी जिठानी है, दुरानी तो खराई ना थी, जिठानी आ रही है, बाकी उसके साथ भी खूब अच्छी से बनी है। लेकिन नो है कि भाई वो थोड़ी सी बाहर रहा करता, मेरा जेठ था वो तो बाहर चली गई थी, तो मैं रही थी उनके साथ, तो इस वजह से काफ़ी बनी है मतलब मेरी सास की मेरे साथ। और सबसे ऐसी की बात बता दूँ मैं, अपना मना नहीं दे रहा था कि मेरी सासू ने भाई ऊंचा सुना है। तो एक दिन तो प्याली नहीं नहीं तो थी ये बालक तो भाई हो ना रहे थे, तो मैं बोली मन ना पर मैं बोली माँ आज तो भाई दूध फाट गया। तो मेरी सासू जाकर बाहर गली में गई और आकर ना फिर मैं तेन बोली हाँ एक ही का जूत बाज गया। और भाई और फिर मैं इतनी हंसी, फिर मैंने बाद में पता चलिया अक माँ मैं तेने कम तो ना सुना है। फिर बाद में मेरी सासू ने खुद बताइए थोड़ी तेज बोलिया कर मन माड़ा उच्चा सुना सा, फिर तो भाई मैं इतनी आशा करती इतनी आशा करती मका ले भाई ये कहना तो मका उच्चा सुना है और जो मेरा ससुरा है वो तगाज गिर गना है। बाकी फैमिली कुल मिलाकर मेरी बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। और एक तो वो बात है कि फैमिली रहता रहिए ना, कितने फैमिली तो सासू ससुरे चले गए सब अपने घर के रह रहे हैं, पर पहले की बात भाई जो जॉइंट फैमिली में जो मजा आवे है ना वही तो बस वही बात है कि हम दो और हमारे दो, ये बस यो ही रह गया। बाकी मैं सभी बहन भाइयों ने यही बात कहूँ हूँ कि अगर सासू ससुरे हैं तो उनकी कदर करो, उन्हें अपना मानो, अच्छा तो सब अपने अपने बच्चों के लिए जीवे हैं सब, उनने के लिए सब कुछ करा है, तो अपने सास ससुर की कदर करा करो भाई। आज वो हमारे बीच में बेशक ना है लेकिन मैं उनकी हमेशा याद दे मतलब मैं हमेशा उनकी हम बात करते रहे हैं, बच्चों से डिस्कस करते रहे हैं। और जब मैं मेरी सासू बैठ कर ना जब बताया करते, जब हमने नूनी बेरा पट्टा करता कि सुबह तक सांझ किस टाइम होगी, और मेरा ससुरा इतना तगाज गया था उसकी तो मैं के बताऊँ, हमने वो राशि आवेगी ड्यूटी पर जब जाया करता ना तो नू लगा ले ट्रेन आने तो पहले मेरा ससुरा पहुँच जाया करता। मेरी सासू नू करा करती देख तेरे ससुरे का तगाज गिर, इतना तगाज गिर तेने तो अपना ससुरा देखा नहीं होगा, जल्दी सी साइड दे सी होगी रोटी पानी बना देना ही खड़ा होकर ना तेन कहूगा अग मन्ना हो रही सब बार। हालांकि उसने ड्यूटी पर नू लगा लो चाहे 7 या 8 बजे की भी ट्रेन होया करती ना, तो 6 बजे नू लगा लो टेसन पर पहुँच लिया करता, इतना तगाज गिर में था मेरा ससुरा। बालका ने बताऊ ना तो बालक बहुत आसा है और हम मतलब बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत मज़े ले रहे हैं हम इस बात पे कि भाई तेरे दादा दादी बड़े मज़ेदार थे। और जब तक उन्हें लगा लो मेरी सास थी ना, तो भाई मन न कदे भी ये विश भी ये चीज़ की कमी ना महसूस हुई कि घर में के आवे है के नहीं, ना बच्चों का पता चला, तो भाई बड़ों का तो यो है कि बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का सब कुछ बना रहा है ना, तो बच्चा का पता ना चलता। जॉइंट फैमिली के बारे में तो बस यही है, लेकिन आजकल की जनरेशन तो वो है कि हम दो हमारे दो में रह गए, ठीक है। और भाई ये मैं यही कहूँगी अपनी सास के लिए ससुर के लिए और आप लोगों के लिए, अपने माँ बाप की कदर करना सब सब मतलब। तो चलो भाई आज मैंने अपनी बहुत सारी पुरानी यादें आपके साथ ताजा करी हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत जो आपने मेरे लिए वक्त निकाला देखी मेरी वीडियो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को यही कहूँगी जैसी मेरी सास थी वैसी भगवान सबको दे, अब वो बेशक हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। और आज मैं पूरे भरे घर में अगर मैं बैठी हूँ तो आज उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहा है। तो मैं सभी बहन भाइयों को ये कहूँगी अपने माता पिता का सास ससुर का सबके आशीर्वाद बनाए रखा करो, क्योंकि देखो आपके पास चाहे सब कुछ हो लेकिन अगर बड़ों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा तब बहुत ज़्यादा कुछ पालोगे। और भाई मैं यही है कि आप अपने सास ससुर की सेवा करा करो। भाई आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म, और अगर आपको मेरी ये वीडियो सास की मेरे परिवार की अगर पसंद आए तो उसके लिए लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस जिन बहन भाइयों ने मेरे लिए वीडियो को सब्सक्राइब किया है शेयर किया है लाइक किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं भी किया उनका भी धन्यवाद राधे राधे।